गाइज वेलकम बैक, होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है अमन महेश्वरी एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन हैदराबाद। तो यार सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, अगर आप रिसेंट में हैदराबाद में शिफ्ट होने का सोच रहे हो या इन फ्यूचर भी कभी सोच रहे हो तो ये वीडियो जरूर से देखना। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस कितना रहता है। एक मैं आपको अप्रॉक्सीमेट नंबर बता दूंगा कि आपका कितना लगेगा अगर आप हैदराबाद के अंदर शिफ्ट होते हो। ऑब्वियसली मैं मेरा तो बताऊंगा ही, अब जो मैं अमाउंट बताऊंगा उसके अंदर ऑब्वियसली आप काफ़ी कम करके काफ़ी बजट के अंदर भी रह सकते हो। मैं थोड़ा ज़्यादा खर्च करता हूँ, मतलब मुझे भी सेव करना चालू करना है, लेकिन अभी के लिए इतना खर्च हो रहा है मेरा। सो लेट्स स्टार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बड़े वाले खर्चे से, जो होता है तुम्हारा हाउस रेंट। मैं करेंटली अभी एक 3 BHK के फ्लैट के अंदर रह रहा हूँ मेरे और दो और दोस्तों के साथ। हमारे फ्लैट का टोटल रेंट है 30,000, हमको बहुत चीप में मिल गया था, तो वो ठीक है। अब जो रूम्स है ना वो थोड़े अलग अलग से है, तो हमने रेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें मेरा शेयर जो पड़ता है वो पड़ता है 11,250, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा वाला रूम है तो इसका ये पड़ता है। इस रेंट के अलावा एक एडिशनल चीज़ रहती है जो अगर आप सोसाइटी के अंदर रह रहे हो तो आपको पे करना पड़ता है, दैट इज़ द मेंटेनेंस चार्ज। वो है पर वो होता है हमारा 3,000 पर मंथ, तो वो 1,000 rupees और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इसके अंदर, तो टोटल वो अराउंड 12,250 हो जाता है। तो अब आते हैं अगले बड़े खर्चे पे। अब तुम्हारा जो जब तुम घर के बाहर जाओगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई आटा दाल चावल वगैरह की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा ग्रोसरी का बिल जो होता है वो 15,000 टोटल पूरे हाउस का आ जाता है, जिसके अंदर मैं अब सब कुछ इंक्लूड कर ले रहा हूँ, मेरा साबुन वगैरह खाना पीना सब कुछ, तो वो 15,000 टोटल हाउस होल्ड का बिल आता है। तो मतलब हमारा 5,000 पर पर्सन इसके अंदर लग जाता है। उसके बाद एक और जो बड़ा खर्चा आता है, अब तुम बाहर रह रहे हो तो तुम ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना कि जॉब से आके रोज खाना बनाओ और उसके बाद सुबह भी जाके खाना बनाओ, तो ये करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हमने एक कुक रखा हुआ है, तो वो कुक हमसे लेता है टोटल 6,000 पूरे फ्लैट में बनाने का, तो अराउंड 2,000 हमारे कुक का लग जाता है। अब इसके अलावा वही एक चीज़ हो जाती है कि यार अब बर्तन वगैरह भी धोने होते हैं एंड थोड़ा घर वर की सफाई वगैरह भी करनी रहती है, अब वो भी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक हाउस हेल्प रखी हुई है, वो हमसे लेती है अराउंड 3,500 पर मंथ के हिसाब से, तो ऊपर जाता है हमारा 1,200 पर मंथ के। अब ये जो हो गए ये काफ़ी सही से खर्च हो गए। इसके बाद जब आता है कि अब अगर तुम बाहर रह रहे हो तो तुम ऑब्वियसली हर वीकेंड पे कभी कुछ बाहर खाने चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के कुक जो होता है वो संडे को ऑफ लेता है। तो तुमको कभी बाहर खाने जाओगे या कभी कुछ प्लान बन गया तो पार्टी करने बाहर चले गए, कभी किसी क्लब में चले गए या कभी जैसे वाटर पार्क वगैरह कहीं पर भी चले गए, तो अराउंड मेरा हर वीकेंड लगभग 1,000 से 1,500 पर पर्सन हर वीकेंड पे खर्चा हो जाता है। तो अराउंड मेरा ओवरऑल देखो तो 6,000 इन अ मंथ मैं उन फन एक्टिविटीज या बाहर खाने वाने में स्पेंड कर देता हूँ। इसके बाद जो होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हो जाता है, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था हमारा वो काफ़ी कम आया था, क्योंकि इस बार हमने अभी हैदराबाद के अंदर इस टाइम पे आपको एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो हमारा आया था 600 टैक्स, जो अगर डिवाइड बाई सी करो तो अराउंड 200 पर पर्सन के हिसाब से आया था। अब जब तुम कमाने लग जाते हो ना तब तुम ना तुमको ना एक कीड़ा काटता है, वो शॉपिंग का कीड़ा काटता है भाई कि यार अब ये शर्ट अच्छी आ रही है तो ये ले ली, कभी बाहर गए तो कुछ वो पसंद आ गया तो वो ले लिया। तो उस टाइप से ना अराउंड 2,000 पर मंथ के हिसाब से जो मिसलेनियस जो अमाउंट होता है ना वो मेरा हो ही जाता है। कभी कुछ ये पसंद आ गया, कोई शर्ट कोई टी शर्ट, कभी कुछ जूता पसंद आ गया, तो अगर ऑन एवरेज पकड़ो तो 2,000 पर मंथ के हिसाब से वो मिसलेनियस खर्चा हो जाता है। अब ये सब के अलावा एक और जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है हैदराबाद के अंदर कैब का भाई, क्योंकि अब हमने जो है गाड़ी वगैरह नहीं खरीदी अभी तक, तो यहाँ पे तुमको अब और हमें जो होता है ऑफिस रोज जाना पड़ता है, तो मेरा कैब में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। इवन अगर वीकेंड पे भी कहीं पे बाहर जाए तो कैब भाई एक तो इतनी मुश्किल से मिलती है, मतलब बहुत ही बुरा हाल है, तुमको आधा आधा घंटा वेट करना पड़ता है और अंधा ही प्राइस होता है। तो मेरा अराउंड 3,000 से 3,500 पर मंथ कैब वालों को मैं दे देता हूँ भाई, कि इतना ज़्यादा खर्चा होता है, वो पैसा सबसे ज़्यादा चुभता है। सबके अलावा ना कभी ना अब जैसे कभी घर जाना है उसकी फ्लाइट के टिकट्स हो गए, 3-4 महीने में एक बार अगर मैं घर जाऊँगा तो उसकी फ्लाइट के टिकट्स हो गए, या कभी कहीं पे घूमने जा रहे तो उसकी फ्लाइट की टिकट हो गई, तो वो अराउंड अगर तुम एवरेज पकड़ो तो वो भी महीने का 2-3 हज़ार रुपये अगर तुम ओवरऑल मंथ पर डिवाइड करो तो वो उतना पड़ जाता है। तो ओवरऑल एक नंबर तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज़ द अमाउंट आई स्पेंड ड्यूरिंग माई कंप्लीट मंथ। अब इसके अंदर तुम काफ़ी सारी चीज़ों को कट डाउन कर सकते हो, जैसे रेंट हो गया, वीकेंड के स्पेंड एक्सपेंडिचर हो गया, काफ़ी सारी चीज़ों को तुम कट डाउन कर सकते हो और काफ़ी बजट के अंदर भी हैदराबाद के अंदर रह सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑप्शन। अब लेकिन मेरे को ना यार थोड़ा मतलब पैसों से संभालना प्रॉपरली आता नहीं है, तो आई एम ऑल्सो लर्निंग ऑन दैट। अब मेरा जो अमाउंट इसके अलावा बचता है आई एम प्लानिंग ऑन
इन्वेस्टिंग इट इनटू समवेयर सम प्लेस। तो अगर फ्यूचर में तुमको ऐसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें भी देखनी है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, तो वो भी एक जो चीज़ है तुम मुझसे सीख सकते हो। अभी मैं खुद भी सीख रहा हूँ ये, तो इसलिए अभी मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ का इन्वेस्ट किया, क्या करने का सोच रहा हूँ मैं। एक बार मैं खुद कर लूँ प्रॉपरली, अगर इफ आई सी प्रॉफिट तो आई ऑब्वियसली शेयर इट विद यू। बाकी अगर और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी होप टू सी यू समवेयर इन माय लाइफ। बाय बाय।